दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि अक्टूबर नवंबर में संभवतः टीजीटी पीजीटी का एग्जाम संभावित है, तो ऐसे में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पर, हिंदी के प्यारे से टॉपिक पर, रस पर। और आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र में जो उन्होंने रस संबंधी सूत्र दिया है वो क्या है। आइए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनका सूत्र क्या है। तो सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोग दृश्य निष्पत्ति ही। सबसे पहले यही एक प्रश्न बनता है कि उपयुक्त सूत्र का या सूत्र का प्रतिपादक कौन है। तो आंसर आपको देना है भरत मुनि। किस पुस्तक में दिया है? तो नाट्यशास्त्र में दिया है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसको भाई देखें इसमें क्या क्या है। तो देखिए एक ये है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है व्यभिचारी, ठीक है, फिर संयोग है, रस है, निष्पत्ति है। तो समझते हैं कि विभाव क्या है। अब बात करेंगे कि विभाव, ठीक है, तो विभाव कोई एक ऐसी चीज है या कोई एक वैसी वस्तु है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के मन में, ठीक है, कोई न कोई भाव की उत्पत्ति करे, भाव को जगाए, ठीक है। जब वो भाव को जगाएगी तो वो कहा कहेगी विभाव। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आलंबन, आलंबन विभाव, ठीक है, और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन से आशय यह है कि ऐसी कोई चीज, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा एक विचार, कोई एक ऐसी घटना जिसको देखकर जो भी श्रोता है, पाठक है, या जिसके मन में किसी न किसी प्रकार से भाव जागृत हो जाए, ठीक है, उसको पाकर। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव से आशय है कि जिसके द्वारा ये ऐसा, मतलब जिसके द्वारा कोई भाव जगाया जा रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा क्रियाओं का करना, ठीक है। अब बात आएगी कि अनुभव क्या है। तो अनुभव से आशय यह है कि जो ये आलंबन और उद्दीपन, ठीक है, आलंबन और उद्दीपन को प्रभावित करने वाले जो कार्य हैं, ठीक है, उन कार्यों के कारण उत्पन्न जो भाव हमारे शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में या किसी वातावरण में जो आ रहे हैं उनको अनुभव कहा जाता है। और जो अनुभव हैं वो चार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं किन्हीं ने चार बताए, किन्हीं ने तीन बताए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भरत मुनि ने, भरत मुनि ने तीन बताए हैं, ठीक है, कौन कौन से बताए हैं। भरत मुनि के अनुसार अनुभव चार हैं। भरत मुनि, ठीक, चार बताए हैं, वो तीन, सॉरी, भरत मुनि के तीन हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वाचिक, दूसरा है आंगिक, तीसरा है सात्विक। ये तीन भरत मुनि के हैं। चार बताए हैं भानुदत्त ने, कौन कौन से उनको भी देख लो, कायक, ठीक, मानसिक, वाचिक और आहारे, ये भानुदत्त के हैं। अब समझ लो भैया कि पाचिक क्या है, ये पोलकर, ठीक, आंगिक
अंगों को देखकर या अंगों के माध्यम से। सात्विक, सात्विक ऐसा अनुभव होता है जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, तो इनको यत्नज भी कहा जाता है, यत्नज भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये वर्गीकरण किसने दिया कि वाचिक आंगिक सात्विक, तो ये है भरत मुनि का। अब कायक मानसिक वाचिक आहार ये भानुदत्त का है। अब कायक से आशा है कि जो काया है शरीर, वे क्रियाएं जो शरीर के द्वारा की जाएंगी, ठीक है, वो सभी जैसे हाथ चलाना, नैन चलाना, ठीक है, ये सब क्या है, पैर चलाना, ये सब कायक के अंतर है। मानसिक, ठीक है, मानसिक में ये हाव भाव है कि किसी भी जो व्यक्ति है उसको देखकर दूसरा किस तरीके के हाव भाव प्रदर्शित कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि वाचिक से है कि बोल कर, और आहार से आशा है विशेष प्रकार की वेशभूषा कि वो व्यक्ति है, ठीक है, वो किस प्रकार की वेशभूषा पहने हुए है, वो आहारी है, ठीक है। तो अब ये हो गए। अब इसके बाद आती है व्यवचारी, ठीक है, उसको देख लो भाई, व्यवचारी में क्या क्या है उसको देख लो। ये तो व्यवचारी को, या तो व्यवचारी इसी को संचारी भाव भी कहा जाता है, संचारी भाव। तो अब इसके संचारी भाव के, व्यवचारी के चार सिद्धांत हैं, ठीक है, इसके कुल कितने हैं, चार सिद्धांत हैं। चार सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देख लो देश काल और अवस्था। पहले क्या है, देश काल और अवस्था। दूसरा क्या है, उत्तम मध्यम, ठीक है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उत्तम मध्यम और अधम, प्रकृति के व्यक्ति या लोग, प्रकृति के व्यक्ति या लोग, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा हो गया आपका आश्रय की प्रकृति, आश्रय की प्रकृति हो गई, अथवा इसी यही इसी को कहेंगे आप वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, ठीक है। चौथा क्या है उसको भी देख लो भाई, चौथा क्या है, स्त्री और जो पुरुष होते हैं, स्त्री पुरुष के, ठीक है, अपने स्वभाव के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर ठीक है भेद, जैसे हो गया आपका निर्वेद हो गया, शंका हो गया, लज्जालु हो गया, जैसे कोई व्यक्ति ठीक है शंकालु होता है, कोई लज्जालु होता है, कोई निर्वेद से आशा है शांत होता है, ये चार हो गए। तो ये चार चीजें हो गई। अब क्या है आपको देखना है कि भाई, तो यहां तक आपने तीन चीजें देख ली, इसमें व्यवहार देख लिया क्या होगा, अनुभव क्या होगा, व्यवचारी क्या होगा, ठीक है। अब अगला है उसमें भाव, ठीक है, कि भाव क्या है, भाव में देख लो, भाव तो भावों की संख्या भरत मुनि ने 49 बताई है कि 49 भाव हैं। अब उन 49 में क्या क्या है, तो तीन चीजें हैं। पहले इसमें क्या है, संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है, 33 हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने संचारी भाव हैं, कुल 33 संचारी भाव हैं, ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ सीधा सीधा खड़े खड़े संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। कभी कभी क्या है कि उनमें संचारी भाव पूछ लिया जाता है कि इनमें बताइए कि निम्न में कौन सा संचारी भाव है और कौन सा संचारी भाव नहीं है, ठीक है, तो वो आपको बुक में देखकर लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तब बता पाएंगे। लेकिन ये साधारण प्रश्न है एकदम संख्या।
दूसरा क्या है जो सात्विक हैं, सात्विकों की संख्या 8 है, ठीक है, ये भी आपके बुक में दिए गए हैं, वहां से आप देख लेंगे। और तीसरा स्थाई भाव, ठीक है, स्थाई भावों की भी संख्या 8 है, ठीक है, जो 8 रस हैं वो 8ों के स्थाई भाव हैं, ठीक है। तो आपके 33, 8, 41, 8, 49, ये 49 आपके संचारी भाव हो गए। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है सात्विकों की संख्या कितनी है, स्थाई भावों की संख्या कितनी है। और एक और प्रश्न बहुत साधारण सा पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने रसों का प्रतिपादन किया था, ठीक है, तो कुल 8 रसों का प्रतिपादन किया था। अब पूछा जाता है कि भाई नवा रस कौन सा है, ठीक, तो नवा रस है वो शांत रस है, ठीक है, दसवां कौन सा है भक्ति है, और 11वां है वो वात्सल्य है, ये बाद के आचार्यों ने बताए हैं। तो अब आशा करता हूं कि ये यहाँ से जो छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, ठीक है, या सामान्यतः आपका जो प्रश्न है अगर ऊपरी सतही प्रश्न पूछा जाता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो कोई आपको पद्य दिया होगा, कोई कविता दी गई होगी कि इस कविता में आपको बताना है, तो वहां से भी आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, ठीक, व्यवचारी क्या है, संचारी भाव क्या है, तो वो भी आप प्रश्न बता देंगे। अब जो 8 रस कौन कौन से हैं उनकी चर्चा किसी अलग वीडियो में की जाएगी किसी अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।